بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة हज़रात, आज की इस नशिस्त का आगाज हाफिज इरफान अहमद साहब के खुशिलहान खिराज से हुआ। ये नशिस्त आज जामे मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में बतारीख 23 मार्च 2013 ईस्वी मुताबिक 10 जमादिल अव्वल 34 हिजरी बउनवान मगरबी नौआबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ सूफिया की जिद्दोजहद मुनाक़िद हो रही है और इस नशिस्त को आपके जाने पहचाने एक नामवर प्रोफेसर स्कॉलर डॉक्टर सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब मुखातिब फरमा रहे हैं और ये तारीख इस्लाम की 591वीं नशिस्त है। याद दिला दूँ आपको कि हर साल 45 नशिस्तें होती हैं। भाव का नतीजा है कि हमारी ये महफिलें चल रही हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ कभी कभार बाद हजरात से कि इन महाफिल का सिलसिला देखकर बास मसाजिद में भी महाफिल का आगाज़ किया गया है। गो के बाद में पाबंदी से नहीं है लेकिन वक्तन फ़ौक्तन तो महाफिलें मुनक़िद हो रही हैं जो बड़ी खुशी की बात है आपके हमारे लिए। अलबत्ता एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ पर क़दरदान थे हमारी इन महफिलों के उन्होंने कसीर सरफे से वेबसाइट का भी इंतज़ाम किया है और शायद एक साल से वेबसाइट चल रहा है। अगर वेबसाइट से मुनासिब इस्तेफादा न हो तो फिर वो ज़ाहिर है कि उन हजरात की ख्वाहिश की तकमील नहीं होती जो इस तरह के नेक काम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि इन बुलेटिन के ऊपर वेबसाइट का नंबर दे दिया जाता है दोनों तरफ। ये जब आपके हाथ में मिलते हैं ये जब भी आपको पहुँचते हैं तो कोशिश कीजिए इस बात की कि आप किसी इज्तिमा में हों, किसी जगह हों, किसी महफिल में हों, किसी तकरीब में हों, अगर मौका मिले तो लोगों की तवज्जो दिलवाएं कि भाई ये ऐसी महाफिल शहर हैदराबाद के ही नहीं रियासत के नामवर बल्कि बाज़ वक्त हिंदुस्तान के नामवर स्कॉलर्स हमें उनके सलाहियतों से इस्तेफादे का मौका देते हैं। कई तो ऐसे हजरात हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई उनको सुनने की ख्वाहिश थी या उनको देखने की ख्वाहिश थी इन महफिलों की वजह से हम ये कर सके, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसकी तरफ भी ज़रा ज़्यादा आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आज के बुलेटिन में शाज़ो नादिर ही ऐसी गलती होती है, प्रिंटिंग की कुछ गलती है जो तस्सीह करने के लिए कह दिया गया है और मैंने अभी जो उन्वान पढ़ा आपके सामने मगरबी नौआबादियात निज़ाम के ख़िलाफ़ सूफिया की जिद्दोजहद, सूफिया का क्या बैकग्राउंड है क्या है, मैं समझता हूँ हर मुसलमान कुछ ना कुछ तो ज़रूर वाकिफ़ है। सूफ़ी और सूफीज़म उस पर किताबें हैं, उसके ऊपर कई मरतबा मज़ामीन आते हैं, तहरीरात देखने को मिलते हैं, वाज बयान में सूफियों का ज़िक्र होता है। तो ये एक मखसूस उन्वान से आज हमारे मुखर साहब ने हमें इस्तेफादे का मौका दिया है
और मैंने पहले ही आपसे कई मर्तबा कहा है कि हमारे मुखलिस साहिबीन जिनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो उनवान खुद दें, मुंतखब करें, तो वह हालात के पेश नज़र, हालात को पस मंज़र रखते हुए, आला हालात के पस मंज़र को पेश नज़र रखते हुए उनवान देते हैं। चुनांचे आज का उनवान इतना ही दिलचस्प है और हमारे आज के मुखरिर सैयद अली मशरफ जायसी साहब इस बात के लिए काफ़ी शोहरत रखते हैं कि वो काफ़ी तैयारी से उनवान के साथ इंसाफ करते हैं। यही वजह है कि उनके जो खिताबात होते हैं वो हमारी सहाफत में काफ़ी नुमायाँ तौर पर शाया किए जाते हैं। यही नहीं कि जो आपके पास मुखातिब करते हैं, बल्कि जो कुछ भी उनकी तहरीरात होती हैं और अरखरेजी से पसीना बहाकर, इंग्लिश में कहा जाता है मिडनाइट ऑयल बर्न करना, वो मिडनाइट ऑयल बर्न करने का नतीजा होता है कि उससे सबके समझिए नतायज आपके सामने आते हैं, इतनी गहराइयों में आपको ले जाते हैं जो अक्ल व फहम में इजाफे का बास बनती है हमारे लिए। मैं ज़्यादा आपसे मज़ीद गुफ्तगू किए बगैर ये अर्ज़ करूँगा कि प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब ने हमें पिछले महीने एक उनवान से नवाजा था अपने खिताब से कि इजहार खुशी शरीयत की रोशनी में, और अब के वो जो है इजहार गम शरीयत की रोशनी में। अब जाहिर है इजहार गम के लिए मैं क्या बयान करूँ आपको, तरह तरह के जो गम के तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं, जो हमारे पास एक दखनी मुहावरा हो गया कि धाड़े मार कर रो रही थी, या ऐसी शक्लें बयान इख्तियार होती हैं जिसमें यकीनी हर किसी को गम के इजहार का मौका होना चाहिए, लेकिन उसके भी हुदूद हैं और उन हुदूद को शरीयत के हुदूद में किस तरीके से आप उनकी पाबजाई कर सकते हैं या उसकी खबरदारी कर सकते हैं हुदूद की, वो समझाएंगे। मुझे यकीन है कि आपने प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब को पहले भी सुना है और अब भी सुनेंगे, और न सिर्फ ये बल्कि कोशिश करेंगे कि आप अपने साथियों को लेते आएँ। और एक 27 मार्च को एक खिताब है, वो भी आपके जाने पहचाने स्कॉलर डॉक्टर यूसुफ आज़मी इकबालियात के स्कॉलर हैं, उन्होंने भी बहुत ही बुनियादी उन्वान दिया है अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से, वो है शिकवा जवाब शिकवा असर हाजिर के पस मंज़र में। और आप खुद वाकिफ़ हैं, हम बचपन में न इकबाल को जानते थे न इकबाल के कलाम से वाकिफ़ थे, लेकिन इतना ही जानते थे कि इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा गैर मामूली शोहरत पा गया है, हत्ता के चौथी पाँचवीं जमात के बच्चे भी वो अशार सुनाया करते थे स्कूलों में, कि जो हाँ जो ज़रबुल मसल के तौर पर इस्तेमाल होने लगे थे। तो मुझे यकीन है कि उससे भी आप इस्तेफादा करेंगे। वो महफिल इकबाल शिनासी की 707वीं नशिस्त है, तो 700वीं नशिस्त तो अभी हाल ही में हमने मनाई उर्दू हॉल में, आप वाकिफ हैं, ये 707वीं नशिस्त है। तो मैं अब ज़्यादा आपके सब्र का इम्तहान लिए बगैर आज के मुखरिज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और हमें मुखातिब फरमाएँ। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرات گرامی اللہ رب العزت کے شکر و احسان اور ذکر و امتنان کے بعد میں گرامی قدر جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ منتظم جامع مسجد عالیہ का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज के दौर में जब घरों में एक फैमिली के मेंबर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, हमारे और आपके मिलने का इंतज़ाम कर रखा है। आज की जो माइक्रो फैमिली का जो कंसेप्ट है उसमें एक बुनियादी बात हो गई कि सुबह अखबार से शुरू होती है और रात टीवी पे ख़त्म हो जाती है, और घर के अफराद भी आपस में एक दूसरे से इस दौरे कशाकश में मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप हम सब के शुक्रिया के मुस्ताहक हैं जो हम सबको यहाँ इकट्ठा करते हैं, और वो भी खिदमत दीन के लिए
और इस्लामी तारीख़ फ़िक़ा और उससे मुताल्लिक उलूम की खिदमत के लिए मैंने गुज़श्ता अपने गुफ्तगू में आपसे अर्ज़ किया था, एक ऐसा मौजू आपके सामने लाने की कोशिश की थी जो नसीम मंसिया किया जा चुका है ज़माने से, और वो था सूफ़ियाए किराम की जिहादी कोशिशें। मतलब जो लोग सूफिया और तसव्वुफ़ से वाबस्ता हैं वो भी तसव्वुफ़ और जिहाद को अलग ही अलग रखना चाहते हैं, वो सिर्फ सूफिया की कशफ़ो करामात, सूफिया के फ़ज़ाइल और मनाक़िब से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि सूफिया किराम की हयात तैयबा का ये एक बहुत ही रोशन पहलू है। बल्कि आप हकीकत तो देखिए तो सूफिया जो है वो वही जिहाद के एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि हकीकी सूफ़ी वही होता है जो जिहाद बिन नफ्स के मरहले से गुज़रता है, और जिहाद बिन नफ्स का मरहला जो है यानी नफ्स के साथ जिहाद करना ज़ाहिरी दुश्मन के साथ जिहाद करने से कई गुना ज़्यादा दुश्वार होता है। तो जो उस दुश्वार जिहाद से गुज़र जाता है उसके लिए ये जिहाद जो है वो आसान होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार एक गज़वे से वापसी में फरमाया कि रजाना मिनल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबर, हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं, यानी गज़वे से वापस आ रहे थे, जंग से वापस आ रहे थे, और फरमाया कि हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जो है लौट रहे हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया वमल जिहादुल अकबर या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल अभी तक तो हम एक ही जिहाद को जानते हैं, ये जिहाद की दो किस्में कहाँ से आ गई, छोटा जिहाद और बड़ा जिहाद, तो ये बड़ा जिहाद क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहादुकुम मा नुफूसिकुम, तुम्हारे अपने नफ्स के साथ जिहाद जो है ये जिहाद अकबर है, बड़ा जिहाद है। और अज़ीज़ाने गिरामी जो है किताबु सुन्नत में जो है इसकी बड़ी फ़ज़ाइल आए हैं मुजाहिद नफ्स के। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तवज्जो चाहूँगा, कुरान की आयत आपकी नज़र से गुजरती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना, जिन लोगों ने हम तक पहुँचने के लिए मुझ तक पहुँचने के लिए जिहाद किया है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनको अपना रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। बाद लोग समझते होंगे कि यहाँ जिहाद से मुराद दुश्मन से लड़ना है, मुफसरीन किराम यकीनी तौर पर बताते हैं कि यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जबकि जिहाद बिसैफ यानी तलवार के साथ जिहाद का हुक्म नाजिल ही नहीं हुआ था, लिहाजा यहाँ जिहाद से मुराद दुश्मन से जिहाद नहीं है बल्कि जिहाद बिन नफ्स है, क्योंकि यह आयत मक्के में नाजिल हुई और हम जानते हैं कि जिहाद का हुक्म मदीने में आया है। तो जाहिर सी बात है कि मक्के में जिस जिहाद का जिक्र किया जा रहा है वो जिहाद जिहाद बिन नफ्स है। सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहदू अहवाकुम कमा तुजाहिदूना आदाकुम, अपने ख्वाहिश नफ्स से जिहाद करो जैसे तुम अपने दुश्मनों से जिहाद करते हो, इसलिए कि ये भी हमारा दुश्मन है। तो अगर आप देखें तो इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जिहाद की तीन किस्में हैं, जिहाद माल नफ्स, जिहाद माल शैतान और जिहाद माल अदू अज़ाहिर, नफ्स के साथ जिहाद, शैतान के साथ जिहाद और जो हमारा ज़ाहिरी दुश्मन है उसके साथ जिहाद। तो ये जिहाद की तीन किस्में हैं, और जो लोग नफ्स के जिहाद सिर्फ कामयाबी के साथ निकलते हैं वही दुश्मन से जिहाद के काबिल हो पाते हैं, वरना फिर आप जानते हैं क्या होता है कि नापुख्ता जिहाद का मंज़र आप जान रहे हैं कि आपने इराक़ में, अफ़गानिस्तान में और अलजज़ाइर में आपने देखा है कि क्या हो गया कि हमारे मुजाहिदीन जो है वो आपसी में सरबा गरेबा हो गए, यहाँ तक कि एक बड़े जिहाद के चैम्पियन को इमाम अब्दुल अज़ीज़ को कहना पड़ा कि मुसलमान जो है इन नामनिहाद जिहादियों के हाथ जितने मुसलमान मारे गए हैं उतने मुसलमान इसराइल के हाथ भी नहीं मारे गए। ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है कि जिहाद जो कर रहे हैं वो बुरी बात है, जिहाद तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस्लाम की रूह है, मगर दुश्मनों से जिहाद करने से पहले नफ्स से जिहाद ज़रूरी है, वरना नफ्स जो है हमारे जिहादी को जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर ले जाएगा। हम जानते नहीं हैं कि क्या नमाज पढ़ना जो है कितनी बड़ी शरफ की बात है, कि अफजल इबादत है, अब सबसे पहली चीज़ जो हश्र में पूछी जाएगी वो नमाज है, मगर इसी नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए निकलता है घर से तो शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है, उसका नफ्स
उसे बहकाने की कोशिश करता है। नफ्स उससे कहता है कि जाओ, तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम्हारी दुकान पर जो है वो कस्टमर आया हुआ है, तुम्हारे दोस्त जो है वो तुम्हारे साथ गुफ्तगू की नशस्त करना चाहते हैं। मगर वो बंदा शैतान की तमाम बहकावे को, नफ्स के तमाम इगरा और वरगलाने को नज़रअंदाज करके मस्जिद चला जाता है। मगर शैतान भी इतना पुख्ताकार है कि बंदे के मस्जिद में जाने पर भी मायूस नहीं होता। वो समझता है कि अभी एक दरवाज़ा बाकी है, अभी एक रास्ता बाकी है, वहीं मस्जिद में तो उसको जाने पर पाबंदी है, तो दरवाजे पर बैठ जाता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि दरवाजे पर बैठ जाता है। अब वो बंदा जब नमाज़ पढ़ के निकलता है तो उसके कान में जो है वो धीरे से कहता है कि क्या मियाँ क्या नमाज़ पढ़ी तुमने, ऐसी नमाज तो कोई बड़े बड़े नहीं पढ़ सकते। और इतना ख्याल आना होता है कि उसके अंदर फ़ख्र पैदा हो जाता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस हाल में वो मस्जिद में गया था नमाज़ पढ़ के उससे बुरे हाल में वापस आया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, नमाज अच्छी चीज़ है, लेकिन चूंकि नफ्स जो है वो उसका मुजाहिदा नहीं किया गया, तो उस नफ्स ने शैतान के साथ मिलकर उसी नमाज को हमारे लिए तरक्की के बजाय तनजुली का सबब बना दिया। इस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मनसल्ला युराई फ़कत अशरक, जो दिखावे की नमाज़ पढ़ता है वो शिर्क करता है। मनसा मजूराई फ़कत अशरक, जो दिखावे का रोज़ा रखता है फ़कत वो शिर्क करता है। मन हज्जा युराई फ़कत अशरक, जो हज करता है दिखाने के लिए वो शिर्क करता है। तो ये जो जिहाद बिन नफ्स है, जिसे हम तसव्वुफ की टर्मिनोलॉजी में प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट या तस्किए नफ्स कहते हैं, तस्किए नफ्स यानी नफ्स को साफ करना, पाक करना, इसके बगैर जिहाद तो बहुत आगे की चीज़ है। हमारे रोज़मर्रा की इबादतें भी जो है हमें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय बसाओकात नुकसान पहुंचा देती हैं, जिसकी मिसालें मैं आपको हदीस की रोशनी में दे चुका हूँ। इसीलिए कुरान करीम इस मुजाहिद नफ्स को, जिसे हम तस्किया कहते हैं, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस देता है, इतनी उसकी जो है तवज्जो देता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उमीना रसूल मिनहुम, वही है जिसने अब नाख्वांदा लोगों में, बेपढ़े लिखे लोगों में उन्हीं में से एक नबी भेजा। किस लिए भेजा? यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। पहला काम तो उसका यह है आने वाले रसूल का कि वो अल्लाह की किताब अल्लाह से लाकर बंदों तक पहुँचाता है। और दूसरा काम क्या है? वह युज़क्कीहिम, और उनके दिलों का प्योरिफिकेशन करता है, उनके नफ्स का तज़किया करता है, उनके नफ्स को पाक करता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उसके बाद किताब और हिक्मत की तालीम देता है। यानी गोया कुरान लाने के बाद, अल्लाह की वही को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने के बाद नबी का सबसे अहम काम क्या है? ये मुजाहिद नफ्स में इंसानों की मदद करना, इंसानों के दिलों का तज़किया करना, इंसानों के दिलों को साफ करना। इसीलिए जो है जो नफ्स को अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसकी खसूसियात से हमें मुतला करते हुए फरमाता है कि इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि नफ्स जो है बुराइयों का बहुत हुक्म देने वाला है, और इस नफ्स को काबू करने के लिए जिहाद चाहिए। जिहाद ये आसानी से जो है काबू में आने वाला नहीं है। और इसकी मिसाल इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कसीदा बुर्दा शरीफ में बड़ी ही उम्दा दी है, मैं आप तक भी वो पहुंचाना चाहता हूं। मुमकिन है कि आप में से बाज़ कसीदा पढ़ते हों, मगर मसला हमारा ये है कि हम कसीदे के वो हिस्से पढ़ते हैं जिसमें मदहा और मनकबत है, मगर वो हिस्सा जिसमें तालीम है, तरबियत है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ना उसको पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना सुनाते हैं, ना याद करते हैं। इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि अन्नफ्सो का कुफ्ल इन तुहमिल हो शब्बा आला हुब्बि रज़ाए व इन तफ्तिम हो यनफतिम। तवज्जो चाहूँगा, फरमाते हैं कि नफ्स जो है बच्चे की तरह है, एक बच्चे शीरखार बच्चे के मानिंद है। इन तुहमिल हो, अगर तुम उसको नज़रअंदाज कर दोगे, अगर तुम उसको उसके हाल पर छोड़ दोगे, शब्बा आला हुब्बि रज़ाए, तो वह दूध पीने की मोहब्बत में जवान हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, अगर उसको न रोका जाए, अगर दूध का ख़त्म न किया जाए, दूध को अगर रोका ना जाए उसे, तो वही दूध पीते पीते जवान हो जाएगा, कभी खुद से ना छोड़ेगा। तो नफ्स भी जो है वो गुनाहों की छाती से, गुनाहों के पिस्तान से चिपका हुआ है। जिस तरह बच्चे को ताकत से अलग किया जाता है, वैसे इस नफ्स को भी ताकत से अलग किया जाता है। सिर्फ दुआ मांगने से, ख्वाहिश करने से, तमन्ना करने से, आरजू करने से काम नहीं चलता, जिहाद की ज़रूरत होती है उस नफ्स के साथ। जैसे आप अपने बच्चे को दूध छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुजाहिदा आपको अपने नफ्स को गुनाहों के पिस्तान से अलग करने की कोशिश करनी पड़ती है। आप देखें, आप बच्चे को, आप सब जानते हैं कि बच्चे को दूध छुड़ाने में कितनी जहमतें होती हैं, उसको क्या क्या आप पेश करते हैं, मगर कुछ कबूल नहीं करता।
रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, वालदेन कई कई रातें गुजारते हैं जाग के, तब जाके बच्चा जो है वो दूध छोड़ता है। मगर वही बच्चा जब ग़िज़ा खाने का आदी हो जाता है, जब उसे दाल चावल का मज़ा मिल जाता है, जब उसे गोश्त का जायका मिल जाता है, तो अब 6 महीने के बाद जिस बच्चे ने दूध छोड़ दिया है, उसी बच्चे को 6 महीने के बाद कहो कि माँ का दूध पियोगे तो वो मना कर देगा। हमारा नफ्स भी ऐसे ही है, जब वो नेकियों का आदी हो जाता है, जब वो नेकियों का जायका उसे मिल जाता है, जब वो नेकियों का टेस्ट उसके पास डेवलप हो जाता है, जब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र इलाही, शब जिंदादारी, आहे सहरगाही का टेस्ट जब उसके पास आ जाता है, तब उसको अगर बुलाओ भी गुनाहों की तरफ तो नहीं जाता है, गुनाहों की तरफ नहीं जाता। जुनैद बगदादी बैठे हुए हैं, एक अमीर उधर से गुजरा, उसने कहा बताइए मैं आपकी क्या खिदमत करूं, तो हजरत जुनैद ने कहा कि मैं अपने गुलामों से कुछ नहीं लेता, तो मैं फकीरों से कुछ नहीं लेता। तो बादशाह ने कहा कि मैं फकीर नहीं हूं, मैं तो बादशाह हूं। तो कहा कि बताओ तुमको और की ज्यादा की हाजत है कि नहीं, और ज्यादा की ख्वाहिश है कि नहीं। तो बादशाह ने कहा है, सबको होती है। तो कहा तुमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है मगर मुझे जरूरत भी नहीं है। तो जिसे जरूरत नहीं है वो बादशाह है, वो नहीं जिसके खजाने भरे हुए हैं। जिसके पास दौलत है वो बादशाह नहीं है, बल्कि जो बेनियाज है वो बादशाह है, जो गनी है वो बादशाह है, जिसके पास इस्तिग़ना है वो बादशाह है, जिसके पास तवक्कुल है वो बादशाह है। वो बादशाह नहीं जिसके पास दौलत है, जिसके पास ख़जाना है, जिसके पास तख्त ताज है, जिसके पास लश्कर सिपा है, जिसके पास कसरो ऐवान है, जिसके पास लश्कर सिपा है, वो बादशाह नहीं है। मखदूम सुल्तान सिद्ध जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा कि कुछ पेश करने के लिए कहा, तो आपने फरमाया कि मोरा दो बंदा अंध, मेरे दो गुलाम हैं और तुम उन गुलामों के गुलाम। तो यानी गोया नफ्स जो है वो मेरे काबू में है और तुम अपने नफ्स के काबू में हो, जिसको मैंने अपना गुलाम बना रखा है उसके तुम खुद गुलाम हो। तो उन्होंने कहा मैं अपने गुलामों के गुलाम से नहीं लेता। तो बादशाह की समझ में नहीं आया, तो आपने बताया कि हम सूफिया ने मुजाहिदा के जरिए अपने नफ्स को काबू में कर लिया है और तुम दुनियादार नफ्स के काबू में हो, लिहाजा हमारे गुलाम के गुलाम हो तुम। तो अजीजा ने गिरामी ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, इसको आसानी से ना लिया जाए। आप देखते हैं कुरान करीम, आप पढ़ते हैं कुरान करीम में अल्लाह ताला जब किसी बात की अहमियत को बताना चाहता है, जब किसी बात की कदर व कीमत को बताना चाहता है, जब किसी बात की इम्पोर्टेंस को शो करना चाहता है, तो उसकी सुन्नत है, वो मालिक व मौला है, जो चाहे जो मर्जी चाहे करे, उसकी सुन्नत है कि वो कसम याद फरमाता है। वह असदकुल खायलीन, सबसे सच्चा है, सबसे सच्चा है और कोई उससे सच्चा नहीं है। मगर फिर भी ये उसकी इतना तरीका है कि किसी बात की अहमियत को जाहिर करने के लिए वो कसम याद फरमाता है। जब इंसान की तख्लीक की बात आती है कि इंसान को हमने लक़द खलक़ना लिंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी तक़वीम में क़वाम में पैदा किया, तो अल्लाह ताला कसम याद फरमाता है कितनी, वतीने वज़ैतूने वतूरे सीनीना वहादल बलदिल अमीन। जितनी बार वाव आए हैं ये वाव कसमिया कहलाते हैं। वह तीन, तीन की कसम है, खजूर उस इंजीर की कसम है, वह जैतून जैतून की कसम है, वह तूर सीनीन और तूर सीना की कसम है, वहादल बलदिल अमीन और इस बलद अमीन की कसम है, चार बार कसम खाई। तो अल्लाह ताला की ये की सुन्नत है कि जब किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बताना चाहता है तो कसम याद फरमा के, कसम जिक्र करके फिर उसका जिक्र करता है। अजीज़ों और दोस्तों, शायद आपके कानों में ये बात पहली बार जा रही है कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की अहमियत को बताने के लिए एक बार कसम याद फरमाई, किसी चीज़ की अहमियत को बताने के लिए दो बार कसम याद फरमाई, और ज़्यादा से ज़्यादा चार बार कसम याद फरमाई। जब इंसान की तख्लीक अहसन तक़वीम में का जिक्र आया तो चार बार कसम खाई। ये इससे ज़्यादा और किसी चीज़ के बारे में कसम नहीं खाई सिवाय एक चीज़ के बारे में। आप जानना चाहते होंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बार कसम याद फरमाई। जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हमारे मालिक, खालिक, राज़िक और परवरदिगार ने सबसे ज़्यादा बार कसम खाई है। वो आखिर कौन चीज़ है, कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी बुलंद दर्जे वाली है। तो आइए आप गिनिए, एक दो तीन चार बार नहीं, पाँच छः बार नहीं, सात आठ बार नहीं, नौ बार नहीं, एक ऐसी चीज़ है कुरान में जिक्र आया है जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है 11 बार कसम याद फरमाने के बाद।
और कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं जिसके लिए 5 बार भी कसम खाई हो। तवज्जो चाहूंगा, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये पेशकशी जो है ये मेरी तरफ से, बाकी सब अल्लाह की बात है। किसी चीज के बारे में 4 बार से ज्यादा कसम याद नहीं फरमाई, जैसे मैंने जिक्र किया सूरह 3 में, मगर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में 11 बार कसम याद फरमाई, फिर उसका जिक्र किया। जितने वाव हैं आप मेरे साथ जोड़ते चले जाइए, हो सकता है 11, हो सकता है 11 से भी ज्यादा हो, ये तो मेरा एक अंदाजा है। व शमसे व दुहाहा वल कमर इजा तलाहा व नहारे इजा जल्लाहा व लैल इजा यख्शाहा व समाई वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा व नफसिम वमा सवाहा व अलहमाहा फजूरहा व तकवाहा। 11 बार कसम याद फरमाई और उसके बाद जिक्र किया, कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कामयाब वो है जिसने अपने दिल को साफ किया है, जिसने अपने दिल को प्योरिफिकेशन किया है, जिसने अपने दिल के साथ मुजाहिदा किया है, वो कामयाब है। और इसको 11 बार कसम याद फरमाने के बाद जिक्र किया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुजाहिद नफ्स, तस्किये कल्ब, सफाई दिल, तत्हीर कल्ब का मकाम क्या है और उसकी अहमियत क्या है और उसकी जरूरत क्या है। और हजरत गिरामी जो सूफियाए अवाइल थे, मैं किसी का जिम्मेदार उम्मीदवार नहीं हूं, समझ रहे हैं ना, अपना ला उज़की अल्लाह अहदन, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वाकईतन सूफी थे, और मेरी सारी गुफ्तगु का ताल्लुक उन सूफियाए साफिया के बारे में है जिनके नक्श कदम जो है वो तारीख की जमीन पर जो है सितारों की तरह रोशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने मुजाहिद नफ्स किया और उसके बाद उस मुजाहिदे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए तमाम मुजाहिदे और तमाम जिहाद को आसान फरमा दिया। चुनांचे यही मेरी गुफ्तगू का मौजू है और इसके लिए तमहीद इसलिए बांधी कि आखिर सूफिया जिहाद में इतना आगे क्यों है। आज तो पिछले 100 साल से तो हम ये सुन रहे हैं कि गोया सूफिया ने जिहाद में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया, बल्कि सूफिया को तो एंटी जिहाद बना के पेश किया जाता है, कहेंगे मुझे किसी से नहीं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, एक इल्मी फैक्ट के तौर पर आपके सामने इस बात को रख रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आज हम तसव्वुफ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने जो है वो चादर और गागर और मलिदा और खुटिया और शीरीनी और जो है मरासीम और रसूम और आदात, में खुद भी एक बड़ी खानका से ताल्लुक मेरा है शिमाल की जो है, मगर जो फैक्ट है कहने में कोई हर्ज नहीं, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें कम अच्छी हैं, कुछ चीज़ें कम खराब हैं, कुछ चीज़ें बहुत खराब हैं, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे अजीजों कि वो तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ नाम है इल्मुन युरफ़ु बिही तज़कियतुन नुफूस। क्या है डिफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं कि तसव्वुफ ऐसा इल्म है जिसके जरिए नफ्स के प्योरिफिकेशन को जाना जाता है, वही नफ्स का प्योरिफिकेशन जिसको हम नफ्स के बनाने वाले ने 11 बार कसम याद फरमा के कहा है कि नफ्स के प्योरिफिकेशन पर, नफ्स की तहारत और तस्किया पर ही कामयाबी का दारोमदार है। कुछ भी हम कर डालें, कुछ भी कर लें, कितनी ही नेकियां जमा कर लें, अगर नफ्स हमारा प्योरीफाइड नहीं होगा, अगर नफ्स हमारा मुजक्का नहीं होगा, तो ये अल्लाह का फरमान है वो मनस दको मिनल्लाह क़ीला, और अल्लाह से सच्चा कोई नहीं है। अगर अल्लाह कह रहा है कि बगैर नफ्स कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स का प्योरीफिकेशन किया है, मालूम हुआ कि कामयाबी के लिए नफ्स के साथ जिहाद, कामयाबी के लिए नफ्स का तस्किया, कामयाबी के लिए नफ्स की तत्हीर, कामयाबी के लिए नफ्स की पाकी लाजमी है, उससे कोई फरार और कोई बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ये इसी को हासिल करने के लिए जो सिस्टम सूफिया बताते हैं उसी को मुजाहदा कहते हैं। और मुजाहदा नाम क्या है, मुजाहदा वही है जैसे बच्चे को माँ के पिस्तान से अलग किया जाता है, वैसे ही नफ्स को गुनाहों के पिस्तान से अलग करना है, यही मुजाहिदा है। हम ये सब कहना कि ये ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और बाद लोग आपको बताते हैं, हम तो कह रहे हैं चाहे जैसे कीजिए काम होना चाहिए, असल मतलब काम है। आप समझते हैं अगर हमको बंबई जाना है तो वसाइल इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ट्रेन से जाएं कि बस से जाएं कि कार से जाएं कि पैदल जाएं कि साइकिल से जाएं कि हवाई जहाज जाएं, मकसद है बंबई पहुंचना, मकसद है नफ्स का तज़किया। हो सकता है कि जो तरीका पहले वालों ने किया आज वो हमारे लिए सुटेबल ना हो, असल मकसद है कि काम होना चाहिए। कैसे हो सकता है कि जिस तरह हम करें आप ना कर सकें, आप अपना कोई दूसरा तरीका अख्तियार करें, मगर काम होना चाहिए। ये ज़राए और तरीके में जो है लड़ना जो है ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, इसलिए कि लोग हदफ को देखते हैं, टारगेट को पेश नज़र रखते हैं, मीन्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते, मीन्स कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखते। अरे कुरान में आया है कि लोग ऊँटनी पर सवार होकर हज करने आएंगे, मगर कुरान में जिक्र होने के बावजूद भी आज कोई ऊँटनी पर बैठ के नहीं जाता,
हालांकि कुरान में आया यातूना अला कुल एदामिरिन मिन कुल फज्जिन अमीक, कि पतली कमर वाली ऊँटनियों पर बैठ कर लोग हज करने आएंगे। मगर आप किसी से पूछिए कि कुरान में ऊँटनी पर बैठ के हज करने के लिए कहा गया है मगर कोई नहीं जाता, क्यों? तो लोग कहेंगे भाई वो मीन्स की बात थी ना, हज जो है वो 8 तारीख से शुरू होकर और जो है 10 तारीख तक और तवाफ़ ज़ियारत तक है। अब इसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते, इसलिए कि ये टारगेट है, इसमें ये टारगेट है। ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ की जो है थोड़ी सी जो है ज़मीन उठा लाइए हिंदुस्तान में और यहाँ मीना बना के बैठ जाइए तो कभी ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि पूरा काबा आप उठा लाइए और सारी ज़िंदगी उसके गिर्द चक्कर लगाते रहिए तो एक भी तवाफ़ नहीं होगा, बल्कि वहीं जाना पड़ेगा और उसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि वो टारगेट है, वो मीन्स नहीं है। मगर ये चीज़ तो ऐसे ही मुजाहदे के लिए एक ज़रिया है और एक मकसद है, मकसद जो है वो हासिल होना चाहिए और सूफिया किराम ने इसी मकसद को हासिल किया है। अगर उनका तरीका हमको सूट करता है हमें उनका तरीका फॉलो करना चाहिए। अगर मौजूदा सर्कमस्टांसेस में अगर कोई और अच्छा तरीका है तो उसे भी अपनाने में किसी किस्म की कोई शरई कबात नहीं है। तो दोस्तों, तो ये सूफिया किराम इब्ने जौज़ी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सिफ़त-उस-सफ़वा। हम बताना चाहते हैं कि सूफिया की ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू है जो आज उर्दू लिटरेचर में बिल्कुल तारीख है। उर्दू लिटरेचर में तो सूफिया की आपको करामतें मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी दावत तबलीग से मुतालिक कारनामे मिलेंगे, मगर उनके जिहाद का बिल्कुल तस्करा नहीं किया गया। और मैं बेहद ज़िम्मेदारी से इस ज़िम्मेदार स्टेज से कहता हूँ कि सूफिया का कंट्रीब्यूशन उम्मत के तमाम तबकात के इज्तिमाई कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है जिहाद में। ये तवज्जो चाहूँगा, आप जितने बादशाहों का नाम सुनते हैं, आपने ज़ाहिर बबरस का नाम सुना, सलाउद्दीन अयूबी का नाम सुना, नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम सुना, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का नाम सुना, ये सब के सब अमलन सूफी थे, ये सब के सब अमलन सूफी थे, प्रैक्टिकल सूफी थे, प्रैक्टिकल सूफी थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने खानकाह बनाई थी और उस खानकाह में क़याम करता था और सूफिया को क़याम करवाता था, ये सब जिंदादार था। आप जानते हैं कि मुसलमानों पर सबसे बुरा वक्त 1400 बरस में अगर आया है तो जब तातारियों ने जो है आलम इस्लाम को अपने कदमों से रौंदा, तो उससे बड़ी और कोई क़यामत आलम इस्लाम पर नहीं आई। आप जानते हैं ना, यहाँ तक कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कसीदा है जिसमें आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल को मुखातब करके, ए अल्लाह के रसूल, आपने कहा था कि क़यामत में आप अपने कब्र से बाहर आएंगे, मगर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? यानी अब क्या इससे बड़ी भी कोई क़यामत आएगी? यानी क़यामत तो आ गई है मगर अभी तक आप अपने कब्र से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। ऐसा हालत, ऐसी हालत थी। 3 महीने तक दरियाए दिजला का पानी खून से सुर्ख रहा है। सिर्फ 10,000 उलमा बगदाद में कत्ल कर दिए गए थे। पूरी तौर पर उस ज़माने में सोचिए 10,01,000,000 मुसलमान तातारियों के हाथ से मारा गया था। हर शहर में तातारियों ने जो है सरों के जो है मुसलमानों के सरों के मीनार बनाए थे। ऐसी जो है ऐसे जुल्म के अंधेरे में अरबी जबान में एक प्रोवर्ब, एक मुहावरा हो गया था कि इज़ा क़ील लका अन्न ततार इन हज़मु फला तुसद्दिकू, अगर कहा जाए कि तातारी हार गए हैं तो मत मानो। मुसलमानों ने मान लिया था कि तातारी जो है नाकाबिले हजीमत हैं, उनको हराया ही नहीं जा सकता, डिफीट नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि मुहावरा बन गया कि अगर कोई तुमसे कहे कि तातारी हार गए हैं तो मत मानो, इसलिए कि हारने के लिए नहीं अल्लाह ने बनाया है, हमेशा ये जीतते हैं। मगर इन्हीं तातारियों को एक सूफी बादशाह ज़ाहिर बबरस ने, एक सूफी आलिम दीन इमाम इज़्ज़ुद्दीन अब्दुस्सलाम अश्शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़यादत में ऐन जालूत के मकाम में तारीख़ में पहली बार शिकस्त दी। लड़ने वाले सूफी, कमांडर इन चीफ सूफी और उनका रूहानी पेशवा सूफी, और पहली बार सुल्तान ज़ाहिर बबरस ने ऐसे इबरतनाक शिकस्त दी कि एक भी तातारी ऐन जालूत के मैदान से वापस नहीं जा सका। और तातारियों की जो है वो हिम्मत टूट गई। और बताएं, इन तातारियों को हराने वाले भी सूफी मैदान जिहाद में और इनको इस्लाम में लाने वाले भी सूफी। हज़रत शमशुद्दीन आख रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर जो है नक्शबंदी सूफी थे, उनके बारे में है कि वो एक दिन जो है बुगरा खां के फौजों के बीच से गुजर रहे थे अपने बकरे को लेकर, तो बुगरा खां ने उनसे कहा कि ए सूफी, ए मुस्लिम सूफी, ये बता कि तू अच्छा है कि तेरा बकरा, और तेरी दाढ़ी अच्छी है कि तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है? तो हज़रत शमशुद्दीन आख रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही सादगी से, बड़ी ही नरमी से कहा कि ए बादशाह, ये दाढ़ी वाढ़ी कुछ नहीं होती है। अरे अगर हम अपने मालिक के वफादार हैं तो हम अच्छे, हमारी दाढ़ी अच्छी, और अगर ये अपने मालिक का वफादार है तो ये बकरा अच्छा, इसकी दाढ़ी अच्छी।
ये इतनी सादा सी बात जो है उस बादशाह के दिल में न जाने कहां घुसी कि उसने हजरत शमसुद्दीन आग का हाथ पकड़ा और लेके खैमे में निकल चला गया और 3 दिन के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के बाहर निकला और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और यही वो बुजुर्ग हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि है आया यूरिश तातार के अफसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो ये काबे को सनम खाने से पासबान दिलवाने वाले यही सूफी बुजुर्ग थे। तो तातारी हारे भी तो सूफिया की क़यादत में और मुशर्रफ इस्लाम भी हुए तो सूफिया की कोशिशों के जरिए। तो मैं बताना चाहता हूँ खुद सुल्तान साहब आप जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फातेह को पहला मुस्लिम बादशाह है जिसने न सिर्फ कंस्टेंटिनोपोल को कुस्तुनतुनिया को फतेह किया बल्कि यूरोप में बुल्गारिया और ऑस्ट्रेलिया तक घुस गया। उससे पहले कोई मुस्लिम बादशाह यूरोप में नहीं घुसा और उसके बाद भी कोई मुस्लिम बादशाह यूरोप में नहीं घुसा। सुल्तान मोहम्मद फातेह यानी ऐसा फातेह था कि सभी फातेह हैं मगर किसी फातेह के नाम के साथ फातेह नहीं लगा। लोग उसका मोहम्मद के बाद बाकी नाम भूल गए सिर्फ फातेह याद रहेगा। सारी जिंदगी वो फतेह करता रहा और कुस्तुनतुनिया को उसी ने जो है फतेह किया है। कुस्तुनतुनिया को फतेह करने वाला और सही हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लतफ्तहुन्ना मदीनत कैसर फनिअमल अमीरु अमीरुहा वनिअमल जैशु जैशुहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग यकीनन एक न एक दिन कैसर के शहर कैसर की राजधानी कैसर सीजर के कैपिटल कुस्तुनतुनिया को ज़रूर फतेह करोगे और तुम्हारा अमीर जो है कितना अच्छा अमीर होगा और वो फौज जो फतेह करेगी वो कितनी अच्छी फौज होगी। और अमीर भी सूफी था और पूरी फौज सूफी थी। तो ये एक तरह से सूफिया के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्टिफिकेट है कि नियमल अमीर हो अमीर हो कितना उम्दा अमीर तुम्हारा अमीर होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतेह करेगा और कितनी उम्दा उसकी फौज होगी जो कुस्तुनतुनिया को फतेह करेगी। और दुनिया जानती है कि वो पूरी फौज और उसका अमीर ये सब के सब सूफी थे। अभी माजी करीब में आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर अल जज़ायरी का, आप पढ़े लिखे लोग का उमर अल मुख्तार का नाम आपने सुना होगा उमर अल मुख्तार का समझे। इसके अलावा जो है मेहदी अस्सूडानी का आपने नाम सुना होगा। ये सारे के सारे जो है वो सूफी थे। उमर मुख्तार पर आप फिल्म आई होगी, फिल्म में मैं जानता हूँ, मैंने उनकी खानका देखी है, मैं लीबिया में 8 साल रहा हूँ, मैंने उनकी खानका देखी है, मैं उनके सिलसिले के मुरीदीन से जो है वो मिला हूँ। वो सिलसिले सनूसिया के शेख थे अब्दुल कादिर अमीर अब्दुल कादिर जज़ाई जिनको तमाम फ्रांस ने जब फ्रांस की नौबादियाती क़ुव्वतें जब अलजज़ायर में दाखिल हुई तो तमाम अलजज़ायरियों ने मिलकर जो है उन्हें जो है अपना अमीर बनाया था। और लीबिया में इटली के मुकाबले में इटली फौजें 1911 में लीबिया में दाखिल हुई और 1911 में जब दाखिल हुई तो इटली के जनरल ने कहा कि हम 15 दिन में जो है लीबिया को फतेह कर लेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान में उस वक्त जो अंग्रेज़ी फौज के जो कमांडर इन चीफ थे 1911 में उन्होंने कहा कि ये हरबी नापुख्तगी की दलील है, ये जंग के बारे में महारत की किल्लत की बात है, 15 दिन में वो लीबिया नहीं फतेह कर पाएंगे, लीबिया फतेह करने में उनको कम से कम 6 महीने चाहिए। और दुनिया जानती है कि ना उनकी नापुख्तगी जो है वो सही हुई ना बरतानवी फौज के कमांडर की पुख्तगी और मालूम जो है। 33 साल तक इटालिया जो है वो लीबिया पर कब्जा नहीं कर सका और ये सब सूफिया कराम की वजह से उनकी जिहाद की वजह से उनकी जद्दोजहद की वजह से। यहाँ तक कि जब लीबिया आज़ाद हुआ तो एक सूफी सिलसिले के शेख तरीक़त को ही मुल्क का जो है पहला हुक्मरा जो है वो बनाया गया। माजी के सूफिया के बारे में भी जो है आप जानते हैं इब्राहिम अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, उनकी बुजुर्गी सल्तनत तर्क करके उनका जो मकाम है वो सब हम जानते हैं मगर हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान इब्राहिम अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल जो है एक जिहाद में आया था और माल्टा के करीब किसी जजीरे में उनकी खबर है जहाँ पर आप इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अरे बुजुर्गों की दरगाह बनाने का कल्चर बहुत बाद में पैदा हुआ है, अक्सर सूफिया की हमारी खबरें जो है मैदान जंग में ही हैं। माजी के और अहद वस्ता के अक्सर सूफिया कराम की खबरें जो है वो मैदान जंग में हैं। हजरत ख्वाजा इब्राहिम अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी खबर जो है किसी लड़ाई में ये जो बहरे अबियज़ अल मुतवस्सित कहलाता है मेडिटेरियन सी जो कहलाता है उसके किसी जजीरे पे हो सकता है माल्टा हो वाल्टा हो या कोई और जजीरा हो वहाँ है। हमारे उलमा ने लिखा है कि वहाँ वो एक जंग में जो है इस्लामी चौकी की हिफाजत करते हुए आप शहीद हुए।
इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक 181 हिजरी में बड़े सूफिया में सरखीले सूफिया में हैं, इन्होंने किताबु जोहद के नाम से सूफिया के लिए एक चार्टर भी तैयार किया है, उनके बारे में है। वो इब्ने जौजी लिखते हैं कि काना ला यखरुजो इल्ला इलल हज अविल जिहाद, हमेशा वो इबादत और रियाजत में अपने घर में रहते थे, सिर्फ साल में दो बार निकलते थे, एक बार हज करने के लिए निकलते थे और एक बार जिहाद करने के लिए निकलते थे। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जैसे बुज़ुर्गों की बात है। हज़रत गिरामी, बेहद तफसीली मौजू है, मैं इंशाल्लाह तबारक तआला कोशिश कर रहा हूँ कि इस मौजू पर किताब भी लेके आऊँ, इसलिए कि यह एक ऐसा मौजू है कि जिसकी तरफ किसी ने भी इल्तिफात नहीं किया, किसी ने भी इस पर कलम उठाने की कोशिश नहीं की, और एक तरह से उन सूफिया के ख़िलाफ़ जो है, और हम खुद जानते हैं मशहूर रवायत है कि जब सुल्तान मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान आया तो हज़रत ख्वाजा साहब उसकी लश्कर में उसके साथ साथ आए थे। यानी जब सूफिया ने जिहाद अगर नहीं भी किया तो कम से कम मुजाहिदीन के लिए दुआ गोई का काम जो है करने में वो कभी भी पीछे नहीं रहे, और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ शरीक थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी जो है उसी फ़ौज के साथ ही साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। तो मुख्तसर ये कि सूफिया कराम की जिहाद की एक लंबी तारीख है, और माजी के सूफिया, अहद वस्ता के सूफिया, यहाँ तक कि अहद करीब के सूफिया ने जो इस्तेमार था, चाहे वो मराकश में फ़्रांस की नौ आबादियात रही हो, अलजज़ाइर में फ़्रांस की नौ आबादियात रही हो, लीबिया में इटली की नौ आबादियात रही हो, मिस्र में अंग्रेज़ों की नौ आबादियात रही हो, या शाम में और बैरूत में फ़्रांस की रही हो, या इथोपिया में जर्मन की नौ आबादियात रही है, इन सब के ख़िलाफ़ अगर 150 बरस में किसी ने जिहाद किया है तो सूफिया ने, सूफिया की खानकाहों ने और सूफिया के मुरीदीन ने किया है। हमको तारीख़ में बहुत जस्तजू के बाद भी दो चार नाम भी ऐसे नहीं मिलते जो इस तबके के बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है कि इसका इजहार होना चाहिए, इसका इकरार होना चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ ही मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन। सूफिया की तारीख का मुख्तसर सा ज़्यादा होना बेहतर है। मैं एक मिनट नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा चल रहा हूँ बाहर, दो चार मिनट मुखातिब करता हूँ, उसके बाद सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, दो चार मिनट मैं अभी निकलूँगा, जल्दी ही जल्दी ही कर दीजिए। आप कैसे थे सिल जाए? मैं गाड़ी से अब जाने के लिए जिया मस्जिद पर छोड़ सकती हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ दूँगा, लेकिन मैं अपने पास शेरवानी लेके आया हूँ, मैं उसको डाइक्लिन को देकर फिर आप छोड़ा है, डाइक्लिन ही मैं बोल सकता हूँ। हाँ वो तो थोड़ा सा एक चक्कर लगाना पड़ता है उसके लिए, गाड़ी लेके जाना पड़ता। नहीं आपको छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अभी शमसुद्दीन साहब ने सवाल किया है, हम लोगों ने पहले ही तय किया था टाइम के बारे में, कुछ मजबूरी है आपकी भी मेरी भी, तो अभी आप जवाब देंगे आपके सवाल का, लेकिन तफसीली जवाब नहीं हो सकेगा। मैं कुछ ऐलानात के लिए बैठा हूँ आपके सामने। एक तो ये कि मैंने इससे पहले आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे एक मुखर्रिर मोहम्मद हिमायतुल्मुखी सिद्दीकी साहब जो बड़े स्कॉलर हैं, बड़े आलिम हैं, और जिद्दे में शायद 40 साल गुजारे हैं वहाँ पर, और बड़ी उनकी मुतशर्रा ज़िंदगी रही है, तो उन्होंने एक किताब तस्लीम की है जमात इस्लामी चंद मेरी यादें, ये किताब 180 रुपये की है, 120 रुपये में वो हमारे यहाँ रियायती दाम में भिजवाए हैं, और वो किताबें फरोख्त हो चुकी हैं, एक किताब रह गई है, कोई साहब ले तो उनकी सरपरस्ती हो जाएगी। और दूसरी ये कि मैंने जैसे आपसे पहले ही अर्ज़ किया था कि एक हमारी हमारे स्कॉलर हैं मोहम्मद अनवरुल जी, उन्होंने एक किताब तरतीब दी है जो आसान उर्दू के नाम से है, और ये है 80 रुपये की, लेकिन 80 या 90 की है, 60 रुपये में दे रहे हैं, और ये हर घर में होना ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे आजकल वाकिफ नहीं हैं उर्दू से, और घर में अगर रखी जाए, अगर वो थोड़ी सी भी दिलचस्पी ले तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें फ़ायदे की बात ये है कि अगर आप दीनी मदरसे में भी दो तीन किताबें चार किताबें दें और वहाँ के असातिज़ा उसको देखें तो शायद वो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देंगे, वरना आपके लिए भी 60 रुपये कोई बात नहीं है, वरना आप किसी को तोहफे में दें, दोस्त अजा पड़ोस पड़ोस साहब आप किसी को दें तो 60 रुपये का तोहफा वो बड़ा नहीं होता, लेकिन एक स्कॉलर की सरपरस्ती हो जाएगी। जो उन्होंने हमारे यहाँ 30 किताबें भिजवाई थी उसमें 6 किताबें रह गई हैं, तो ज़रा मेहरबानी करके ये किताब का भी तवज्जो फरमाइए। और हमारी ज़बान बाज़ार साहब के पास आता नहीं, हमारे यहाँ अज़राए करम अंजुमन से 10 पर्चे आ जाते हैं, जो लोग जारी करवाए थे उनका अगर चंदा ख़त्म हो गया है तो उसको तजदीद कर लें, और जिनको नहीं अगर यहाँ से होना है तो आप लेते जा सकते हैं, आप जाइए।
हमारी जबान के पत्ते यहाँ पर लगते रहे। तो आप जरा मुख्तसर से समझा देखिए दुआ। मेरे अजीज, आपका सवाल जो है वो बड़ा तफसील है, तफसीली नौयत का है, और अंधेरा जितना गहरा होता है रोशनी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा कि इस मौजू पर एक ख़ास लेक्चर रखें जिसमें तसव्वुफ़ और सूफ़िया की तारीफ़ और उनकी हकीकत और माहियत का बयान किया जाए। मैं भी कुछ पढ़ कर आऊँ और आपकी इल्म में भी इजाफा करूँ। मुख्तसर ये है कि दरअसल तसव्वुफ़ जो है एक मनहजे हयात का नाम है, एक तर्ज ज़िंदगी का नाम है, जिसमें इंसान एक ख़ास तज़किए नफ्स की तरफ तवज्जो करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचने की कोशिश करता है। ये सूफ़ी वही काम करता है जो हदीस में जिसे एहसान कहा गया है कि हज़रत जिब्रील की हदीस मशहूर है जो आपने सुना होगा बुखारी और मुस्लिम में है, कि हज़रत जिब्रील आए और अल्लाह के रसूल से पूछा कि मन ईमान हो, ईमान क्या है? तो आपने कहा कि अल्लाह पर, रसूल पर, फरिश्तों पर, किताब पर, हशर व नश्र पर, तकदीर पर ईमान लाना, ये ईमान है। तो फरमाया मन इस्लाम हो, इस्लाम क्या है? तो कहा नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये इस्लाम है। आपने तीसरा क्वेश्चन किया, तवज्जो चाहूँगा, तीसरा सवाल किया मन एहसान हो, एहसान क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे उसको देख रहे हो, अगर ना कर सकते हो तो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये मुराकबा की हालत है, और आप अल्लाह को देख रहे हैं, ये मुशाहिदा की हालत है। तो मुराकबा और मुशाहिदा के दरमियान जो सफ़र होता है वो तसव्वुफ़ कहलाता है, और मुसाफिर जो है सूफ़ी कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तज़किए नफ्स के ज़रिए जो है ज़िक्र भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने फरमाया, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, फरमाया कि नफ्स तस्दा अल-क़ल्बु यस्दा कमा यस्दुल हदीद, दिल को जंग लगता है जैसे लोहे को जंग लगता है। तो किसी ने पूछा वमा झिला हुआ या रसूल अल्लाह, तो अगर दिल को जंग लग जाए तो उसको चमकाया कैसे जाए? फरमाया बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من هذا المكان تفرقا معصوما وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه। हज़रत गिरामी, मैं बिल्कुल सुबह 8 बजे घर से निकला हूँ, इफ्लू में एक पेपर पढ़ के आ रहा हूँ, समझे, लिटरेरी ट्रांसलेशन फ्रॉम अरबिक टू उर्दू एंड वाइस वर्सा। इस पर एक जो है बड़ा लंबा सा लेक्चर पढ़ हुआ है, थका हुआ बेहद हूँ, और शाम को भी प्रोग्राम है। चाहिए, शुक्रिया। आप हमेशा भी किताब कैसे भी हाँ है सब बोलना।